प्रवर्तन निर्देशालय ने सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ बोल दिया है कि दिल्ली में शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। अब तक अलग अलग मामलों में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे आम आदमी पार्टी के नेता ही आरोपी बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कानून पीएमएलए की धारा 70 लागू करने पर विचार किया जा रहा है। असल में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा सवाल उठाया गया था। अब अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है तो किसी राजनीतिक दल के खिलाफ इस तरह का यह पहला मामला होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ पीएमएलए की धारा 70 लागू करने को लेकर भी कई सवाल है जिनके जवाब खोजने होंगे। ऐसे में जबकि आम आदमी पार्टी के ही कटघरे में खड़े होने की नौबत आ पड़ी है तो सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। आप नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के एक्शन होने पर अरविंद केजरीवाल साथियों को बेकसूर बताते बचाव करते नजर आ रहे थे। अब तो सवाल ये भी है कि जब आम आदमी पार्टी ही आरोपी बना दी जाएगी तो आप नेता क्या करेंगे। आपको शराब घोटाले में आरोपी बनाए जाने पर अरविंद केजरीवाल भी स्वाभाविक तौर पर घिर जाएंगे क्योंकि संयोजक तो वही है। फिर तो ये भी देखना होगा कि आगे की लड़ाई अरविंद केजरीवाल कैसे लड़ेंगे। 4 अक्टूबर को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने सवाल उठाया था। प्रवर्तन निर्देशालय के केस के मुताबिक अपराध की आय हासिल करने वाला एक राजनीतिक दल था, न कि मनीष सिसोदिया, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट का सवाल था, आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। जस्टिस संजीव खन्ना का कहना था, जहां तक पीएमएलए का सवाल है, आपका पूरा मामला है कि पैसा राजनीतिक दल के पास गया है, वो राजनीतिक दल अब भी आरोपी नहीं है, आपका इसका जवाब कैसे देंगे। ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने कहा, हम आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने और अतिरिक्त जांच कराने के लिए पीएमएलए की धारा 70 लागू करने पर विचार कर रहे हैं। ईडी के जवाब पर आपत्ति जताते हुए मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक सिंघवी का कहना था कि ईडी की ओर से आए वाक्य का असर कल के अखबारों में दिखेगा, यही मकसद भी है। सिंघवी की बात पर जस्टिस संजीव खन्ना ने समझाया कि ये मामला नहीं है और वो ये सवाल साफ साफ रख रहे थे कि क्या ये वही अपराध है या नया है। सवाल है कि क्या ईडी की तरफ से आरोपी बनाए जाते ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग कोई एक्शन ले सकता है। पहली बात तो यह है कि आरोपी बनाए जाने पर कुछ नहीं होता, दोष सिद्ध होना जरूरी होता है। चुनाव आयोग विशेष परिस्थितियों में ही राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है। अगर किसी पार्टी ने फर्जीवाड़ा करके रजिस्टर कर लिया है या अगर पार्टी चुनाव आयोग को सूचित करती है कि वो भारतीय संविधान या समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों में उसकी आस्था नहीं है या भारत की एकता और अखंडता का वो समर्थन नहीं करेगी, तो भी चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है। या फिर अगर सरकार द्वारा अवैध गतिविधियों अधिनियम 1967 या वैसी ही किसी कानून के प्रावधान के तहत पार्टी को गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया गया हो।